कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कराएंगे, उसके बाद में जो भी है एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन ट्रांसफर ही पर्याप्त नहीं है, ये टर्मिनेट होने चाहिए। इनकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ है, दो दो इनकी जान चली गई, जिसके लिए इतना बड़ा मुझे भी दुख है कि दोनों परिवारों की कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप वीडियो दिखाता हूँ, देखिए महिला के साथ में बूढ़े बच्चे जी इन्होंने इस प्रकार लाठी बजाई है, जो कि नहीं करना चाहिए था। जी इनके जो है ये इस प्रकार के जो महिला हैं, दो महिला हमारी ये एडमिट भी है वहाँ, जी जी ये इन्हें सारी रिपोर्टें बनाई हैं। जी ये सारी रिपोर्टों को मैं माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा जी कि इन्होंने क्या क्या करा, कितनी इनकी कार्यशैली है, क्या जी है, क्यों सरकार की ये छवि को जो डैमेज कर रहे हैं। जी अब ये जो है जो एसआईटी की रिपोर्ट है उससे क्लियर होगा, क्योंकि कभी तो ये जो योगेश योगेश राज जी है उनकी तरफ को कह रहे कि साहब इसने मारी है गोली, ये गए थे, जी और कभी एक शेखर है उसकी तरफ को कहते हैं, जी क्योंकि ये जो जिन लोगों को ये निर्दोष फंसा रहे हैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इसमें सीबीआई की जांच की मांग करूंगा सरकार से, या मैं सीबीआई की जांच हूँ। तो सेना विधायक हमारे साथ थे और इनका कहना है कि अब जो अधिकारियों के टर्मिनेशन की इनकी जो मंशा है कि टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाए, और इनका ये भी कहना है कि सीबीआई जांच इसमें की जाए। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।